हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी, बिग न्यूज 6354 कैंडिडेट का। बहुत दिन सूखा के बाद पैनल जारी हुआ है। कम्युनिटी वाइज क्या डिटेल है? हालांकि ओवरऑल पैनल की डिटेल हम बात करेंगे थोड़ा कल, क्योंकि आज केवल आपको बताना है कि ये पैनल जारी हुआ तो किस कम्युनिटी का जारी हुआ। हालांकि रोजगार मेला अगला 16/5/2023 को 5वीं रोजगार मेला का प्रस्तावना है, तो क्या इनमें से भी ये कैंडिडेट आएंगे? तो कुछ तो पॉसिबल है, अभी है टाइम तो देखते हैं। लेकिन अभी ईआर का वेबसाइट चेक चेक करते करते, कोलकाता का वेबसाइट चेक करते करते हम लोग थक गए हैं, पैनल नहीं आ रहा है। हालांकि ये पैनल का वेबसाइट 3 है, पहले छोटा फिर थोड़ा बड़ा, अभी बहुत बड़ा थोड़ा कह सकते हैं ये पैनल आया है। लेकिन हम वेबसाइट पे जाएंगे तो खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल रेलवे के वेबसाइट पे दूसरे पे आया होगा, इस पे तो नहीं आया है। मैं यहाँ पे नोटिस को बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, काफ़ी देर हो गया, 10 मिनट की मैं ऑफिशियल चेक कर पाऊँ तो यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑल ऑफ वैकेंसी है। हो सकता है मेरा नेट का इशू हो या ब्राउजर का हो, आप थोड़ा सा चेक कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा या थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन हमारे पास जो कैंडिडेट हैं वो टेलीग्राम पे शेयर कर चुके हैं, नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने शायद शेयर किया है। बहुत लोग शेयर करते रहते हैं अपनी पर्सनल बातें, डिटेलें, तो यहाँ पे इन्होंने 1234 इन्होंने शेयर कर दिया है। चलिए, इन्होंने किसी और से फॉरवर्ड किया है शायद। तो 1234 नंबर नोटिस है, जिसमें आप देख सकते हैं डिग्रेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल 3 है। तो 6324 कैंडिडेट को बधाई और कह सकते हैं कि शुभकामनाएं आपके लिए, आगे की प्रोसेस आपका इंतज़ार कर रहा है। इसमें कैंडिडेट को बोला गया है कि पहले सीबीटी ये हुआ था, तो ये सब तो आप जानते ही है। इसको डीबी आपका अलग अलग मेडिकल हुआ, अलग अलग हुआ, ये सारी चीज़ें आप भूल गए होंगे। आपको तो अब पैनल में चाहिए था, जिसमें एक लाइन और लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रोविजनल पैनल ऑफ रोल नंबर कैंडिडेट नॉट बी डिक्लेयर ड्यू टू नॉन क्वालिफाइड मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल स्टैंडर्ड। क्या है? A2, A3 और B1। C1 का तो यहाँ नाम ही नहीं ले रहा है, देखिएगा, C1 को छुपा लिया। C1 की भी तो पुष्ट थी, उनको इस पैनल में शामिल नहीं किया गया है। ये क्या मिस्टेक है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यानी केवल A2, A3 और B1 का पैनल दिया है, C1 का नहीं दिया है क्या? तो ये भी एक इशू हो सकता है, C1 का क्यों नहीं दिया? और दिया है तो कुछ कैंडिडेट C1 का नहीं हो सकते हैं, ऐसा भी हो, दोनों कंडीशन है, तो इसको हमें वेट करना चाहिए। उसके बाद कुछ कैंडिडेट का फिंगर प्रिंटर में इशू है, किसी का आपका एक्सपर्ट का ऑप्शन लेगा, किसी का और कोई इशू है जिसके कारण से अभी फिटमेंट या ऑथेंटिक या फुलफिलमेंट अपलेट डाउन ऑफ रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको पैनल में शामिल नहीं किया है। लेकिन C1 वाला एक सस्पेंस बना के छोड़ दिया। हमें लगता है C1 का कुछ लोग होंगे, कुछ नहीं होंगे, इसलिए पूरा पूरा C1 नहीं लिखा है। उसके बाद और सारा चीज़ लिखा गया है, गेट 25/4 की है, समझ ही गए होंगे। यहाँ से कैंडिडेट का रोल नंबर है और सीरियल नंबर है, दो ही चीज़ है। कौन सा डिवीजन मिला है, क्या है, ये सब कुछ नहीं लिखा है। 54 पेज का लिस्ट है, 54 पेज के लिस्ट में आप देखेंगे तो 6324 कैंडिडेट है। अब यहाँ से पता कर लेते हैं कि 6324 कैंडिडेट में कौन से कम्युनिटी के कितने कैंडिडेट हैं। तो यहाँ से हम सर्च कर लेंगे यहाँ का कोड, एक मिनट देख के, तो कोड हमें मिल जाएगा यहाँ से 2441 41, और उसके बाद तो देखिए 6325 यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल सही मैच कर रहा है। हालांकि 6324 ही कैंडिडेट हैं तो 25 क्यों हो रहा है? हो सकता है इधर वाले डिजिट में भी एक आध कैंडिडेट सेम सेम मैच कर रहा होगा, दो बार वो काउंट हो रहा है। अब इसमें से हम कम्युनिटी वाइज डाटा निकालना चाहेंगे तो हमें कम्युनिटी वाइज के लिए UR का पहले निकालना है, तो 287 कैंडिडेट UR के हैं। उसके बाद अगर कहें तो 92 के लिए अगर कहें तो 1019 कैंडिडेट 92 में हैं, यानी एससी कम्युनिटी में। एसटी कम्युनिटी में अगर कहेंगे तो टोटल 619 कैंडिडेट हैं। ओबीसी कम्युनिटी में कहेंगे तो टोटल 3412 कैंडिडेट हैं। और ईडब्ल्यूएस में कहेंगे तो टोटल कैंडिडेटों की संख्या हमें मिल जाएगी 987। इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट यूआर में भी क्वालिफाई होंगे जो कम्युनिटी से, और यूआर का 287 ही है, तो इसमें यूआर का और बहुत लोग होंगे। तो चलिए, जिन जिन कैंडिडेटों का हुआ है उनको बधाई, और सीरियल ढंग से देखिएगा, सब सीरियल ढंग से लास्ट में
कम्युनिटी बाई ही रिजल्ट है, इसमें कोई वो नहीं किया गया है, यानी अगर कहें तो ये कम्युनिटी बाई पूरी तरह से रिजल्ट है। और देखें मैं ऊपर पीला EWS कोई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो पहले UR का कैंडिडेट का नाम है, फिर SC का, फिर ST का, फिर OBC का, और सबसे लास्ट वाले पेज में EWS का। थैंक यू, धन्यवाद।